ये सब तो एज अ गेस्ट आया था टीम पुनीत में, बट नेक्स्ट वीक से टीम पुनीत में एज अ कोरियोग्राफर भी रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू डिजर्व इट। अरे सर, बहुत ही कमीना इंसान था जिसने वो फ्लोर गंदा किया। इस हफ्ते मैं परफॉर्म कर रहा हूँ डांस प्लस में, आज रिहर्सल है मेरा पहला, अब भी जश्न उठाऊँ। मैं इस हफ्ते परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर आप डांस प्लस देखते हो तो आपको पता होगा रितिका, तो उसके साथ मैं इस हफ्ते परफॉर्म कर रहा हूँ डांस प्लस पर। बाकी मैं आपको रिहर्सल पर जाके उससे मिलवाऊंगा। सो गाइज, अभी मैं हूँ डांस प्लस के रिहर्सल पर और मैं अभी आपको मिलाने जा रहा हूँ रितिका से, जिसके साथ मैं इस हफ्ते परफॉर्म कर रहा हूँ। आओ जरा इधर। ये माइंड ब्लोइंग बिल्कुल नहीं है ये। नहीं गाइज, ये बहुत ज़्यादा अच्छे डांसर है, मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं कुछ दिन पहले। मतलब सच में मैंने थोड़े दिन पहले देखे, क्योंकि मुझे पता चला हाँ मैं इसके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैंने देखा क्या स्टाइल करती है, तो उस हिसाब से भी मैंने डांस सेट किया है। तो रेडी हो आप मेरे साथ डांस करने के लिए? तो आपने ना हमारा परफॉर्मेंस देख लिया रहेगा, ये ब्लॉग तो मैं बाद में अपलोड कर रहा हूँ ना, तो बस हमें ये जानना है और रितिका को जानना है कि आपको हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। अरे आप उनसे पूछो। मैं पूछू आपको हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा? गाइस प्लीज कमेंट भरो और बताओ कि कैसा लगा हमारा परफॉर्मेंस। गुड मॉर्निंग। इस हफ्ते रितिका के साथ परफॉर्म मैं कर रहा हूँ। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। मेरे शो की फेवरेट विद माय ऑल टाइम फेवरेट मिस्टर तेजस वर्मा। यस, लेट्स गो। तो हेलो एवरीबॉडी, जैसे कि पता है आपको आज है डांस प्लस का शूट एंड यस मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी जैसे कि आपने देखा मैं गया था भैया से मिलने और थोड़े टाइम में अभी शूट स्टार्ट होने वाला है, जब तक नहीं होगा अपन तो रेडी है, कभी भी बुलाए कभी भी जाए, हमारा शायद थर्ड एक्ट है। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग हैं डांस प्लस के सेट। सो हेलो एवरीवन एंड अभी हमारा परफॉर्मेंस होने वाला है थोड़े ही टाइम में। yes, बहुत अच्छा। हाँ, मेरे को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, अभी हम लोग का थोड़े टाइम में परफॉर्मेंस होने वाला है। नर्वस फील नहीं हो रहा है ना? सही है ना, जैसा आपका होता है ना। अच्छा, मतलब 40 आ रहा है आपको, जागी कर स्टेज पे मत कर देना बस। सो गाइज, अभी हमारे साथ मम्मी पापा आ नहीं पाए मेरे परफॉर्मेंस के, थोड़े टाइम बाद आए, मेरा परफॉर्मेंस भी नहीं देख पाए, बट वर्तिका मैम का परफॉर्मेंस इन लोगों ने एंजॉय किया, वाह। बट कोई नहीं, परफॉर्मेंस तो हमारा अच्छा हो, वैसे बता दूं डबल प्लस मिला हमको और मेरी बहुत तारीफ हुई। बाय द वे, जो हमने एक्ट किया है वो पूरा मैंने कोरियोग्राफ किया है एंड मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, सर ने ऐसा बोला एंड रेमो सर ने भी कहा कि फ्यूचर कोरियोग्राफर ये वो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड बट मेरा यार एंकरिंग वाला कैंसिल कर दिया, अभी क्या बताऊँ। बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ रख देना, देखते हैं अगर रख दिया तो अच्छी बात है। सो है एवरीवन, तो अभी शूट स्टार्ट हो चुका है, हम नहीं है शूट पे क्योंकि अभी एक दूसरा राउंड शूट हो रहा है, बाकी अभी मेरा एक वीडियो शूट है तो उसके लिए हम जा रहे हैं एंड अभी मेरा शूट डायरेक्ट सीधा 7-8 बजे है और अभी बज रहे हैं 4, तो 2-4 घंटा मेरे को रेस्ट है, तो बाकी अभी चलते हैं शूट के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज तेजस वर्मा एंड यस मैं इस बार आया हूँ डांस प्लस प्रो में एंड इस हफ्ते मैं परफॉर्म करने आया हूँ और सपोर्ट करने आया हूँ हमारी छोटी सी बच्ची रितिका को, वो आई थी रिप्लेसमेंट में आई थी जब वो,
और जब उसका पहला परफॉर्मेंस उसने दिया था एज अ सोलो। वेलकम टू माय व्लॉग गाइस, मेरे आने से फुल एनर्जी आ गई है ये सोपो पर कि हम अभी हम नहीं जाने वाले, अब मैं यहाँ पर ही एंड तक रहने वाला हूँ, ये मेरे को अच्छी बात लगी। मैं बोर हो रहा था बहुत बाद में, जगह पे आया ये अभी बोल रहे थे बहुत मस्ती कर रहे थे, चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं इसको। क्या रिप्लेस भी कर सकता हूँ, तेज आया है। हाँ हाँ, अभी मैं आपकी जगह होने वाला हूँ ये शो पे, एकदम पता नहीं इसको, नहीं पता अभी पुलिस सर बताएगा। जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ वो सिल्वर बॉम है, ठीक है गाइस, बस यही काफी है। आपको तो पता ही है मैं इस हफ्ते परफॉर्म कर रहा हूँ टीम पुनीत, यानी कि हम पुनीत सर के टीम में परफॉर्म कर रहे हैं, बट मैंने आज तक आपको टीम पुनीत से नहीं मिलाया, तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। एंड स्टार्ट करते हैं अपने पंकज सर से, भाई माइंड ब्लोइंग एकदम हार्ड है ये, ठीक है। यस यस यस। एंड ये है हमारे दूसरे नंबर पे हमारे आकाश सर, मैं फर्स्ट। अच्छा, आपका आपका पहले डालूंगा फिर बाद में पंकज सर का डालूंगा। पंकज थर्ड है, फर्स्ट फर्स्ट है हमारे आकाश सर। मैं फर्स्ट में हूँ भाई, एपिसोड देख लो एक बार आप। फर्स्ट वैभव सर, बाकी फिर सब लोग धीरे धीरे आते हैं, क्या बात है। बट ये है पुलिस सर की टीम गाइस। बाकी अभी एक थोड़े टाइम पहले बहुत एपिक मोमेंट हुआ था, जिसमें हमको रेमो सर के जुड़वा भाई देखने मिले, जो हमारे ऑडियंस में इस बार मौजूद हैं। आई मीन यार, आप एपिसोड देखोगे ना बहुत मजा आएगा आपको। ये देखो भाई अरे सर, मैंने आपको सबसे मिलवा दिया है, पुनीत सर की टीम से मिलवा दिया है, और जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनसे मिलवा दिया है, बट मैंने तो मेन दिखाया ही नहीं आपको, मेन पुनीत सर को नहीं दिखाया, तो प्लीज़ मिलिए पुनीत सर से। हेलो 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 हेलो। मैं चाहता हूँ कि ये बताए कि कैसे पकड़ा है, तो स्टाइल से पकड़ा है, बहुत अच्छा स्टाइल है तेरा पकड़ा है। सर यही है ब्लॉगिंग। ओके नाइस सर, नाइस, थैंक यू सो मच। नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट, आई एम सो हैप्पी तू ये सब कर रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी तू बड़ा हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम मैच्योर भी हो रहा है। थैंक यू सो मच। सो गुड न्यूज़ ये है कि नेक्स्ट वीक से ये सब तो एज अ गेस्ट आया था टीम पुनीत में, बट नेक्स्ट वीक से टीम पुनीत में एज अ कोरियोग्राफर भी रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, यू डिजर्व इट। थैंक यू गाइस, मैंने कब्जा कर लिया है तेजस का ब्लॉग, क्योंकि बहुत ही गंदा लग रहा था फ्लोर, इसलिए बोलना चाहता हूँ कि वो बहुत ही कमीना इंसान था जिसने वो फ्लोर गंदा किया। पंडित जी है हमारे पास, एक कथक टीचर मेरा है वो। हां हां भाई, हेलो, उसने बोला क्या सिखाया तेरे पर आज, क्या बोला तूने अभी, हेलो हेलो हेलो, ये है बच्ची, ये है। तो गाइस, रितिका आपका टोटल स्कोर अभी हमारा खत्म, मेरा अभी हमारा एंट्री होने वाला है, वो एलईडी से, मतलब सोच लो कितना हार्ड होने वाला है अभी सीन। मेरा डांस प्लस पर अभी काम समाप्त होता है, बट बाय द वे जैसे कि पुनीत सर ने कहा कि इसके अगले हफ्ते मैं पुनीत सर की टीम में हूँ और रितिका को सिखाने आ रहा हूँ, बट वैसे तो ऑफकोर्स मेरा सब खत्म हो गया है। अगली बार बुलाएंगे तो मुझे एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाएंगे, है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो। फाइनली वक्त आ चुका है कि मैं ब्लॉग को एंड करूँ, और बाय द वे आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा,
एंड बहुत बहुत गाइस दिल से बनाया, मतलब आज मेरी पता नहीं मुझे अलग ही एनर्जी थी सेट पर, बहुत मज़ा आया एंड बहुत अलग खुशी भी थी, तो आई थिंक उस वजह से बहुत मैंने मज़े किए. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड थैंक यू, बाय, लव यू.